चाहे करना हो अपनी संस्था का प्रचार या फिर दिल में हो किसी मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार, बुक करें हास्य कवि सम्मेलन एवं दीजिए अपने नज़दीकियों को कवियों की हसाती गुदगुदाती कविताओं का स्वस्थ मनोरंजन। संपर्क करें शिव इलाहाबादी मोबाइल 7398328084 पर एवं अपने क्षेत्र के लिए एक हास्य कवि सम्मेलन शो आज ही बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का थर्ड पार्ट। रात को अभी 11 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे के नियमों के बारे में। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा हुआ था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ हुआ हो तो मॉडल ऑक्सिलरी को कैसे चेंज करना। तो मैंने बताया था आपको कि मॉडल ऑक्सिलरीज में केवल 4 मॉडल्स हैं जिनको हमें चेंज करना होता है, जिनको हमें बदलना होता है। बाकी मॉडल्स को आपको सेम टू सेम रख देना है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो आज हम लोग इससे आगे के नियम के विषय में बात करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं एक दो। रेखा सैड सीमा में गो टू द पिक्चर्स या टू द सिनेमा। तो अब इसको क्या करना है हमें, ये हो जाएगा रेखा सेड कॉमन नोट कम हटाएंगे दैट सीमा में किस में चेंज हो जाएगा माइट गो टू द सिनेमा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज में परिवर्तन होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज में चेंज होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज में सिर्फ 4 मॉडल्स हैं जिनको हमें चेंज करना जरूरी होता है, कैन, फिर सैल, फिर विल, फिर मे। तो कैन का चेंज हो जाता है कुड में, सैल का चेंज हो जाता है शुड में, विल का चेंज होता है वुड में, और मे का चेंज हो जाता है माइट में। तो ये 4 मॉडल्स हैं जिन्हें हमें बदलना जरूरी होता है। एक अगली मॉडल होती है जिसके विषय में मैंने बताया भी था आपको कि अगर मस्ट है तो उसको हैड टू कर सकते हैं, और ना भी करें तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। उसको करना चाहें तो कर दें, ना करना चाहें तो ना करें, वो दोनों तरह से सही है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी में परिवर्तन हुआ। अब अगली बात हम करेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होता है उसको हमें देखना है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन में परिवर्तन की। प्रोनाउन में परिवर्तन जो होता है उसके विषय में हम सबसे पहले जान लेते हैं केस के विषय में। प्रोनाउन को हमने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। जो प्रोनाउन होते हैं वो 3 पर्सन में होते हैं और 3 केस में होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है पॉसेसिव केस, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में होता है आई, माई या माइन और मी, फिर होता है वी, आवर, आवर्स और अस।
आई और वी ये फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं, इसी का जो पॉसिव केस है माई और माइन, अवर और अवर्स, ये पॉसिव केस होता है और वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। फिर इसके बाद आते हैं सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में आता है यू, योर या योर्स और यू, ये सेकेंड पर्सन में आता है। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में आता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर और देयर्स और ये देम। फिर इट, इट्स और इट। तो फ्रेंड्स ये केस होता है, आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होगा। तो प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमेशा ध्यान देना है फ्रेंड्स कि आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन परिवर्तन के संबंध में 123 बाई सन, ये होता है रिपोर्टेड का पार्ट, ये होता है रिपोर्टिंग का पार्ट। तो इसमें ये बताया जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो मीन्स एंड मीन्स नो चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में एंड मीन्स नो चेंज, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको चार्ट याद करना चाहिए, याद करना होगा, क्योंकि इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जल्दी से प्रोनाउन को पता लगाने में, या कौन सा प्रोनाउन वहाँ पर होना चाहिए, किस फॉर्म में चेंज होना चाहिए, किस रूप में चेंज होना चाहिए, वो उसमें आपको बड़ी मदद मिल जाएगी। आई माई मी, बी अवर अस, यू योर यू, फिर ही हिज हिम सी हर हर, दे देयर देम और इट इट्स इट। हमेशा याद रखना है कि प्रोनाउन जब भी बदलेगा पर्सन बदलेगा, लेकिन उसका केस सेम रहेगा। अगर कोई भी प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस का है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन बदल रहा है थर्ड पर्सन में, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में बदलेगा। फर्स्ट पर्सन बदलेगा थर्ड पर्सन में, लेकिन नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस ही रहेगा। कभी भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलेगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन किसी और केस में नहीं बदलेगा। तो हमेशा केस सेम होगा, पर्सन तो चेंज होगा लेकिन केस सेम होगा। ये चार्ट जो है सिर्फ इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमको पता चल सके कि कौन सा प्रोनाउन है और किस प्रोनाउन में, किस पर्सन में बदल रहा है। अब हम एग्जांपल देख बताते हैं, आप इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स एग्जांपल देखिएगा, आई सैड टू हिम आई कैन जंप, आई सैड टू हिम आई कैन जंप। पहली चीज हमने आपको बताया था कि सेट टू जब भी होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो आई टोल्ड हिम, कॉमन वर्ड कम हटाएंगे, दैट आई,
ये आई है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन ये भी है अर्थात फर्स्ट पर्सन है और ये भी फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदलेगा मीन्स फर्स्ट पर्सन ही रहेगा तो ये आई ही रहेगा दैट आई कैन हो जाएगा कुड और जंप। हरी सेड टू मी यू आर एबल टू डू एवरी वर्क। हरी सेड टू मी यू आर एबल टू डू एवरी वर्क। अब इसको हमें चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो क्या करेंगे, सेट टू का टोल्ड कर देंगे तो ये हो गया हरी टोल्ड मी कॉमन नोट कम हटाएंगे दैट। अब यहां पर ध्यान देना यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है फर्स्ट पर्सन मीन्स सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा लेकिन ये कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव केस है तो ये सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में बदलेगा अर्थात आई हो जाएगा तो दैट आई और आर ये प्रेजेंट टेंस है बदलेगा पास्ट में वाज आई वाज एबल टू डू एवरी वर्क। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। क्या आपको भी अंग्रेजी कठिन लगती है, ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल मैजिकल इंग्लिश गुरु और पाएं अंग्रेजी की जानकारी आसान भाषा में बिल्कुल मुफ्त। साथ ही एयरफोर्स नेवी एनडीए सीडीएस टीईटी सीटीईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अंग्रेजी की ऑफलाइन कक्षाएं आकर्षक डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें 7398328084। एग्जांपल देखिएगा कि सोहन शेड He is not. He is not feeling well. अब क्या करेंगे इसको? Sohan shared common word का हटाएंगे that ये he third person है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ये ही का ही रहेगा। इज प्रेजेंट टेंस है ये चेंज होगा पास्ट में। यहां पर ध्यान देना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ये वर्ब में आईएनजी आया हुआ है और इज लगा हुआ है मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही वाज नॉट फीलिंग वेल। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। अब हम देखेंगे और आगे के नियम। इसके बाद फ्रेंड्स अगला एक नियम है कि अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में मींस रिपोर्टेड स्पीच में नज़दीकी दिखाने वाले शब्द हों तो उनका जो परिवर्तन होता है वो दूरी दिखाने वाले शब्दों में हो जाता है। कुछ शब्द हैं जो बदल जाते हैं जैसे
दिस, ये बदल जाता है दैट में। तो इन शब्दों पर भी ध्यान देना है, कुछ शब्द होते हैं जो बदल जाते हैं, अर्थात नज़दीकी दिखाने वाले शब्द दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका परिवर्तन हो जाता है। हमारे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड में आने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, फिर टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस तरह से हम परिवर्तन कर देते हैं। तो जो यहाँ पर जो ऐसे वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स का परिवर्तन हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है। अब एग्जांपल में देखते हैं इसको कैसे चेंज करना है। कुछ और भी शब्द हैं जैसे आइदर का दाइदर हो जाता है, इस तरह से और भी एक दो शब्द हैं जिनको आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप चेंज करिएगा। रवि सैड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, रवि सैड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये क्या हो जाएगा, रवि सैड, कॉमन वर्ड का हटाएंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन है बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा रवि है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के हम क्या लगाएंगे, ही, दैट ही कैन का कुड, सॉल्व दिस का दैट ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाएंगे। एग्जांपल और देखिए, चाहे करना हो अपनी संस्था का प्रचार या फिर दिल में हो किसी मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार, बुक करें हास्य कवि सम्मेलन एवं दीजिए अपने नज़दीकियों को कवियों की हसाती गुरुदाती कविताओं का स्वस्थ मनोरंजन। संपर्क करें शिव अलाहाबादी मोबाइल 7398328084 पर एवं अपने क्षेत्र के लिए एक हास्य कवि सम्मेलन शो आज ही बुक करें। आई एम लर्निंग दिस चैप्टर, आई सेड आई एम लर्निंग दिस चैप्टर। फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसको हमें डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहली चीज़ देखिए, आई सैड कमन उनको हटाएंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन ही है, तो फर्स्ट पर्सन में ही रहेगा। तो आई सैड दैट आई, आई एम क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा वाज लर्निंग, यहाँ पर दिस का क्या कर देंगे, दैट चैप्टर। लेकिन कुछ केसेस में अब यहाँ पर हमें यहाँ हमने दिस को दैट कर दिया, लेकिन इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब क्या है, यहाँ पर
कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया होता है लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट में बदलता नहीं है। हालांकि नियम क्या है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट में हम दैट कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम बता रहे हैं, जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे सामने है, तो हम जब ऐसी कंडीशन हो कि वो चीज़ बताने वाले के सामने हो, वक्ता के सामने हो, तो उस कंडीशन में हम दिस को दिस ही रहने देते हैं। ठीक है, तो चाहे उसको दिस को दैट में चेंज कीजिए, और या तो बेहतर होगा कि दिस को दिस ही रहने दीजिए। रवि सेड टू मी, दिस इज माई हाउस। तो रवि सेड टू का टोल्ड मी दैट, अब यहां पर दिस का दैट करना आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन चूंकि रवि का घर उसके सामने है, वक्ता के सामने उस समय बोलते समय, तो अगर ऐसा होता है तो दिस को हम दिस ही रहने देते, दैट दिस वाज हिज हाउस, ये भी सही होता है। तो अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स आते हैं, नाउ है तो देन, दिस है तो दैट, ठीक है, टुनाइट है, टुडे है, तो क्या करेंगे, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, स्टडे का द प्रीवियस डे, तो इस तरह से हम चेंजेस करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब एक चीज़ और ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई फैक्ट दे दिया हो, कोई ट्रुथ दे दिया हो, तो ये एक्सेप्शन कहलाता है, अपवाद कहलाता है। अपवाद में क्या होता है, अपवाद मतलब होता है कि नियम विरुद्ध काम होना। अपवाद मीन्स नियम के विरुद्ध काम होना। नियम क्या है, जनरली एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए तो वापस नहीं आता। नियम क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, मीन्स अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो इस दुनिया में वापस नहीं आता, लेकिन अगर मरने के बाद कोई व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये अपवाद कहलाएगा, एक्सेप्शन कहलाएगा। वैसे ही एक्सेप्शंस आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, वैसे ही एक्सेप्शंस आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और वैसे ही एक्सेप्शंस आपको इंग्लिश में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की, अपवादों की। अपवाद क्या है कि जनरली तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई फैक्ट हो, कोई ट्रुथ हो, एक्सेप्शन क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ट्रुथ हो, ट्रुथ कैसा, चाहे वो साइंटिफिक ट्रुथ हो, चाहे वो हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, या फिर हैबिचुअल ट्रुथ हो, या कोई और ट्रुथ हो, साइंटिफिक हो मीन्स विज्ञान संबंधी हो, जैसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो पानी बनता है, ये साइंटिफिक ट्रुथ है। अगर कहा जाए कि जो ताजमहल है उसको शाहजहां ने बनवाया था, किस टाइप का ट्रुथ है, ये हिस्टोरी, हिस्ट्री की बात है। तो अगर कोई भी सत्य बात है जो कहीं भी है, कहीं से भी प्रूव होती है कि बात सत्य है, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे हैबिचुअल हो, और चाहे एक और बात आती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य, सूरज पूरब से निकलता है, सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया जानती इस बात को। तो अगर कोई ऐसे सत्य की बात की जाएगी तो क्या होगा,
देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. इफ रिपोर्टेड स्पीच डेपिक्स एनी काइंड ऑफ ट्रूथ, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच है किसी प्रकार के ट्रूथ को डेपिक्ट करता है, बताता है या उसको प्रदर्शित करता है, शो करता है, चाहे वो साइंटिफिक ट्रूथ हो, चाहे हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इन दैट केस देर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, चाहे हम उसको जब हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होंगे. तो अब उसको भी देख लेते हैं कि कैसे उसमें कोई चेंज नहीं होता. द टीचर शेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन. द टीचर शेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन. अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टीचर ने कहा द अर्थ पृथ्वी मूव्स घूमती है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है. बात सत्य है, और कैसी सत्य बात है, इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, या तो ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक ट्रूथ भी है, क्योंकि साइंस इस बात को मानता है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, मीन्स ये ट्रुथ है. जब ट्रुथ है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा सीधा वैसे ही लिख देंगे, इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. तो ये हो जाएगा द टीचर सैड, कॉमन नोड कॉमा हटाएंगे, यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर हम दैट लगा देंगे, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. ये सेम टू सेम हो जाएगा. तो इसको चाहे आप अपने से लिख लीजिए, मैं इसको लिख देता हूं द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. ऐसे ही और भी हम लोग एक्सेप्शन कर सकते हैं. इन ट्रुथ्स के अलावा, इन सत्य बातों के अलावा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रकार का की प्रोवर्ब दी हुई हो, किसी प्रकार की कहावत दी हुई हो, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता. इस बात का भी ध्यान देना है. एग्जाम्पल और देखते हैं. हेमा सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. हेमा ने सेड मीन्स कहा टू मी मुझसे, हेमा ने मुझसे कहा डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर. अब इसको क्या करेंगे, ये ट्रुथ है. कैसा ट्रुथ है, ये हैबिचुअल ट्रुथ है. कुत्तों की हैबिट होती है, वो कुत्ता किसी गांव विशेष से मतलब नहीं है, वो कुत्ता कहीं का भी, हमारे गांव का होगा आपके गांव का होगा, हमारे मोहल्ले का होगा आपके मोहल्ले का होगा, इंडिया का होगा पाकिस्तान का होगा, या भारत का होगा अमेरिका का होगा, लेकिन अगर अजनबी है तो कुत्ता भौंकेगा. कुत्ता कहीं का भी हो, उसकी आदत है भौंकना, तो कुत्ते की आदत है भौंकना, तो ये कैसा सत्य है, ये सत्य बात है, लेकिन वो कैसी सत्य बात है,
आदत संबंधी सत्य बात है, मीन्स आदतन सत्य है, और इसी बोलते हैं हैबिचुअल ट्रुथ। तो हैबिचुअल ट्रुथ है तो इसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें करना क्या है, हमें कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट लगा देना है, उसके बाद हमें उधर कोई भी चेंज नहीं करना, मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चेंजेस होने वो कर दें हम। तो हेमा सेट्टू का टोल्ड मी फिर दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स इस तरह से अगर कहीं पर भी कोई प्रकार का सत्य हो, चाहे हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, चाहे साइंटिफिक ट्रुथ हो, चाहे और कोई ट्रुथ हो, तो अगर कोई ट्रुथ की बात की जा रही हो तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये एक बात रही। अब हम लोग आएंगे इसके बाद, अभी हम लोग पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि अभी तक सिंपल सारी जो बातें थी वो असर्टिव में ही थी, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस और बहुत सारे चेंजेस जो कि असर्टिव सेंटेंस हो या कोई और सेंटेंस हो उसमें जो चेंजेस में करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, वो चेंजेस हम पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें हम लोग कैसे चेंजेस करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जितना प्रैक्टिस खुद से करेंगे चीज़ें उतना ही बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एग्जांपल्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस जो है वही आपको आगे बढ़ाती है, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं, और अगली क्लास में हम उसको सॉल्व करके आपको बताने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेहनत आप करनी है, कोशिश आप करनी है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है वो समझना हमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक बना है दो शब्दों से, प्रश्न प्लस वाचक और ये वाक्य। प्रश्न मीन्स होता है प्रश्न या जानकारी, वाचक मीन्स होता है पूछने वाले वाक्य, मीन्स वाक्य। प्रश्न पूछने वाले वाक्य, जानकारी लेने वाले वाक्य। तुम कहाँ जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खाने कब जाओगे। तो इसमें जानकारी ली जा रही है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। जब हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मीन्स मैं तुम्हारे विषय में जानकारी ले रहा हूँ, तुम्हारे विषय में प्रश्न पूछ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो तो मैं स्थान विषय में जानकारी ले रहा हूँ। जब मैंने कहा कि तुम क्या पढ़ते हो तो या तुम क्या खा रहे हो तो मैं उस वस्तु विषय में जानकारी ले रहा हूँ जो तुम खा रहे हो। तो इस तरह से जानकारी भी कई तरह से ली जाती है। वो जानकारी व्यक्ति के विषय में हो सकती है, वो जानकारी वस्तु के विषय में हो सकती है, वो जानकारी किसी स्थान के विषय में हो सकती है। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोग प्रश्न पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, ठीक है। जो प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं, एक होता है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पहला टाइप होता है। दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स अब ध्यान देना है कि दोनों में फर्क क्या है, यस नो टाइप में और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप में। यस नो टाइप हाँ या नहीं प्रकार, तो यस नो टाइप ये होता है हाँ या नहीं प्रकार। हाँ या नहीं प्रकार क्या होता है,
ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम सिर्फ हाँ या नहीं बोलकर दे सकते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो? हमने बोला हाँ, बात खत्म, बात पूरी हो गई हमारी। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर हम सिर्फ हाँ बोलकर या ना बोलकर दे सकते हैं वो कहलाते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव हमेशा ध्यान दीजिएगा हिंदी में या हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू होते हैं, हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू होते हैं और अंग्रेजी में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? फ्रेंड्स, कहीं भी राइटिंग की प्रॉब्लम होती है तो राइटिंग के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ लिख रहा होता हूँ उसके साथ साथ मैं बोल भी रहा होता हूँ, तो अगर कहीं भी राइटिंग प्रॉब्लम आए तो आप उस बात को सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, उस वर्ड को सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो उससे आप कभी भी राइटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे राइटिंग प्रॉब्लम आपको दूर होती जाएगी, वो सॉर्ट आउट होती जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हिंदी वाक्यों में कैसे शुरू होते हैं और अंग्रेजी में हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब इस एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आर यू रीडिंग, आर आर यू रीडिंग, आर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अंग्रेजी में किससे शुरू हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब शुरू है। और हिंदी में किससे शुरू है? क्या तुम पढ़ रहे हो? ये क्या है? क्या। तो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, हाँ या नहीं प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप में, जो दूसरा टाइप है उसे बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका उत्तर हम हाँ या ना बोलकर नहीं दे सकते। जैसे हमने भी बताया कि जो यस नो टाइप है उसका उत्तर हम सिर्फ हाँ बोलकर या ना बोलकर दे सकते हैं, हाँ बोलकर नहीं बोलकर दे सकते हैं, मीन्स यस बोलकर या नो बोलकर उसका उत्तर हम दे सकते हैं। लेकिन जब आती है बात यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड टाइप की, तो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यस या नो बोलकर आंसर नहीं दे सकते। अगर कोई पूछता है तुमसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुमने बोल दिया यस, किसी ने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुमने बोल दिया नो, फिर कोई पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं, तुमने बोले यस, आज क्या खरीद के लाओगे, नो, कौन कौन सब्जी खरीदे, यस। आदमी क्या समझेगा? आदमी समझ लेगा कि आदमी नॉर्मल नहीं है, पागल हो गया है। तो इसका उत्तर हम यस या नो बोलकर नहीं दे सकते हैं, किसका? डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का। बल्कि किसी क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कुछ एडिशनल बताने की जरूरत होती है। तो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप जो इंट्रोगेटिव होते हैं ये इंग्लिश में डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स वेयर, वाई, वेन, हु एक्सेट्रा, हमेशा ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इंग्लिश वाले ये जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं या जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते, मींस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। और हिंदी में इन सेंटेंसेस के बीच में, इन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे क्या, कहाँ, जैसे तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ आ गया बीच में, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो क्या बीच में आ गया। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, मीन्स
वेयर, वाई, वैन, हाउ आदि से शुरू होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस के बीच में हिंदी में, हिंदी वाक्यों में ऐसे सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आपको भी अंग्रेजी कठिन लगती है? ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल मैजिकल इंग्लिश गुरु और पाएं अंग्रेजी की जानकारी आसान भाषा में बिल्कुल मुफ्त। साथ ही एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, टीईटी, सीटीईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अंग्रेजी की ऑफलाइन कक्षाएं आकर्षक डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें 7398328084। देख लेते हैं कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इनको बनाते हैं, या इनका जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस तरह से आता है उसको भी देख लेते हैं। Hira said, "Are you going to school today?" Friends, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। Hira said, "Are you going to school today?" अब यहाँ पर Hira said, यहाँ पे क्या आ गया? Are You going to school today? और यहाँ लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस ऐसे आएंगे ये कहलाते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। वैसे ही अगर आ जाए हीरा सेड कॉमन वर्ड कॉमा वेयर आर यू Going today, ये जो सेंटेंस है इसमें रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है आर से, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से। ये है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड। तो जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो ये जो सेंटेंस होगा ये कहलाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, और जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो ये कहलाएगा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल क्या है वो रूल हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो के अंत में मैं एक बात फिर से आपको कहना चाहूँगा, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रेंड्स तक आप इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा भी हौसला बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा हौसला बढ़ता है या जब आपका प्यार मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, तभी हम अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं, हम काम के लिए एनर्जी पाते हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो उसमें हम आपसे फिर से बात करेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या आपको भी अंग्रेजी कठिन लगती है? ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल मैजिकल इंग्लिश गुरु और पाएं अंग्रेजी की जानकारी आसान भाषा में बिल्कुल मुफ्त। साथ ही एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, टीईटी, सीटीईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अंग्रेजी की ऑफलाइन कक्षाएं आकर्षक डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें 7398
3280 84।